सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक संजय कुमार सिंह ने टीबी मरीजों को लिया गोद। नमस्कार, टाइम फैक्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत व टीबी मुक्त पंचायत पहल कार्यक्रम को गति देने के लिए जिले के टीबी मरीजों को गोद लिया जा रहा है, ताकि टीबी मरीजों को सरकार की ओर से मिल रहे निःशुल्क इलाज व पोषण राशि के साथ साथ जिले के सक्षम लोगों द्वारा पोषण किट व आत्मबल दिलाया जा सके, जिसमें टीबी मरीज स्वयं को समाज से अलग न समझे। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रभारी चिकित्सक संजय कुमार सिंह ने। तो आइए हम सुनते हैं कि क्या कहते हैं प्रभारी चिकित्सक संजय कुमार सिंह। तक दवा खिलाते हैं और उनको खान पान के मदद के लिए सरकार के तरफ से 5,000 रुपये का भी मदद मिलता है। 5,000 मंथली मिलता है? नहीं, पूरे 6 मंथ के कोर्स में। जी, 6 मंथ के कोर्स में उनको पैसा दिया जाता है? नहीं, उनके खाते में जाता है, सरकार के तरफ से खाते में जाता है। और उसके बाद जो इच्छुक लोग हैं, हमारे सरकारी कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता कुछ हैं, वो उनको गोद लेते हैं। तो आपके यहाँ कितने हैं? हम तो एक गोद लिए हैं। आप लिए हैं? जी, एक लिए हैं। हाँ, राजन भैया लिए हमारे, और जीएनएम स्टाफ लोग हैं, एएनएम स्टाफ लोग हैं, कुछ डॉक्टर हैं, वो भी लिए हैं। बाहर के कोई समाज सेवी वगैरह? बाहर के समाज सेवी तो अभी नहीं लिए हैं कोई, माने सिर्फ आप ही लोगों? हाँ, हम लोग थोड़ा इच्छा से लिए कि यार इतना से थोड़ा सा हम प्रोवाइड करा सकते हैं मरीजों को, तो सामाजिक कुछ कार्य भी करते रहे इसके चलते। सेवा करने में कैसा लगता है? सेवा करने में अथा उत्साह मिलता है और दिल को बहुत तसल्ली मिलती है, लगता है कि हमने कुछ किया है, ये करना चाहिए। तो अभी कितने, अभी आपके प्रखंड में कितने इस तरह के टीबी पेशेंट? टीबी पेशेंट हम पूरा अभी तो नहीं बता सकते डाटा, लमसम गोद लिए में हम लोग 10 पेशेंट को गोद लिए हुए हैं। 10 पेशेंट? मोटा मोटी 30-40 पेशेंट होंगे। मैडम 40 पेशेंट प्रखंड में? जी, प्रखंड में 40 पेशेंट। टीबी पेशेंट लोग यहाँ आते हैं, उनको चिन्हित किया जाता है, गांव से आते हैं, गरीब तबके के आते हैं। जब उन लोगों को जांच किया जाता है तो अगर टीबी पॉजिटिव पाए जाते हैं तो हम लोग भी आगे आते हैं उसको सहयोग देने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए। तो उनके लिए हम लोग अपना किट बनाकर उसको देते हैं। गोद लिए हैं? हाँ, गोद लिए हैं। कितने पेशेंट को आप? अभी हम लोग एक पेशेंट को लिए हैं। अच्छा। और उसको हम लोग हर एक महीना उनको खाने पीने के लिए किट उपलब्ध कराते हैं। मैंने कब तक चलेगा ये? अभी 6 महीना तक उन लोग को देना हमको।